हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भाग 4 देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो उसके इस गुण को क्या कहा जाता है? अपररूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुंह में लार आना, उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? पश्च मस्तिष्क के मेड्यूला द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद बनाते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ती है तब उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की हानि होती है तब उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किन जीवों में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट एवं हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मनुष्य में किस प्रकार का जनन होता है? लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेंस बनाने में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? जल, कांच एवं प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/a = 1/u + 1/v। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेंस सूत्र क्या है? 1/f = 1/v - 1/u। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? पक्षमाभि पेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रिज्म के दो फलकों के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? प्रिज्म कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
प्रिज्म में आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? विचलन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विभवांतर को किस उपकरण द्वारा नापा जाता है? वोल्टमीटर। यहां पर हमारा वीडियो एंड होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।